Hello and welcome to the Niles Coombe channel. In this video, I am going to show you how to max out your skills slash stats in GTA Online fast and easily. These skills are not only helpful in mission and combat but also in overall gaming experience. In GTA Online series, player skills are a fundamental aspect of gameplay, influencing how effectively the player navigates and interacts with the game world. These skills reflect various abilities and attributes that can be developed and improved over time, enhancing the player's performance in mission, combat, and other activities. So, without further delay, let's get started with strength skill. Strength skill basically affects the player's power in hand-to-hand combat, called as melee combat, and increasing damage dealt to enemies and the ability to withstand hits. So basically ये हमारे damage power को बढ़ाता है कि हम कितना damage withstand कर सकते हैं. To max out this skill आपको hit करना है other player को. आप NPCs को भी hit कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ कर रहा हूँ. ये करने से हमारी स्ट्रेंथ पावर काफ़ी जल्दी बढ़ती है. और या तो आप गोल्फ़ खेल सकते हैं या टेनिस खेल सकते हैं अदर प्लेयर्स के साथ, बट वो थोड़ा डिफ़िकल्ट काम है. सबसे इजी तरीका है, मिशंस में जाइए, कोई भी मिशन सेलेक्ट कीजिए और बीच एरिया में आ जाइए. बीच एरिया में आने के बाद आपको यहाँ पे NPCs दिखेंगे, इन्हें आप जितना मार सकते हैं मारिए और आपका स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी बहुत ही जल्दी. जैसे कि अगर आपका फुल मैक्स आउट है प्लेयर तो आपको 10 गोलियां लगेंगी आपको मरने में, अदरवाइज आप 5 ही गोलियों में मर जाएंगे. तो ये इतना इफेक्टिव है गाइस. नेक्स्ट स्किल है हमारी स्टेमिना. स्टेमिना डिटरमाइंस हाउ लॉन्ग द प्लेयर कैन रन, स्विम और परफॉर्म अदर फिजिकल एक्टिविटीज विदाउट टायरिंग. जितना ज़्यादा स्टेमिना हाई होगा उतना ज़्यादा आपका एक्जर्शन कम होगा और आपका डिक्रीज इन परफॉर्मेंस भी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा. स्टेमिना को बढ़ाने के लिए हम 3 चीज़ें कर सकते हैं, या तो प्लेयर रन कर सकता है, या स्विमिंग कर सकता है, या फिर साइकिलिंग कर सकता है. बट सबसे बेस्ट आपका जो स्टेमिना इंक्रीज करने के लिए एक्टिविटी है वो है स्विमिंग. टू मैक्स आउट दिस स्किल आप किसी भी बीच एरिया में चले जाइए जहाँ पर थोड़ा कम क्राउडेड हो, वहाँ पे आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं और आपका प्लेयर बहुत ही जल्दी मैक्स आउट हो जाएगा. नेक्स्ट स्किल है हमारी शूटिंग. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है GTA के अंदर क्योंकि सारा बेस इसी पर टिका है. हमें शूटिंग करनी ही करनी है गेम के अंदर. तो शूटिंग डिटरमाइंस हाउ प्रिसाइज द प्लेयर इज विद फायर आर्म्स. हायर एक्यूरेसी मीन्स बेटर एम एंड मोर इफेक्टिव यूज ऑफ एमिनेशन एंड लेस वेपन स्वे. रिलोड स्पीड आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है जो कि काफ़ी हेल्पफुल है क्लोज कॉम्बैट सिचुएशंस में. अब इस स्किल को हमें मैक्स आउट करने के लिए या तो हम प्लेयर्स को शूट कर सकते हैं अदर प्लेयर्स को, या तो मिशन कर सकते हैं मिशन में प्लेयर्स को शूट कर सकते हैं. बट सबसे इफ़ेक्टिव तरीका जो है आप एम्यूनिशन रेंज में जाइए. एम्यूनिशन में रेंज में जा कर के आप वहाँ पर जो मिशन हैं वो कीजिए, जैसे कि मैं यहाँ कर रहा हूँ. ये शूटिंग टारगेट हैं, इनको प्रैक्टिस कीजिए और अपने स्किल्स को बहुत ही जल्दी मैक्स आउट कर दीजिए. ये बहुत अच्छा और इफ़ेक्टिव तरीका है स्किल्स को मैक्स आउट करने का. याद रहे, जितना ज़्यादा आपकी शूटिंग स्किल्स एनहेंस्ड होगी उतना अच्छे से आप सर्वाइव कर पाएंगे GTA ऑनलाइन में. नेक्स्ट हमारी स्किल है स्टेल्थ. स्नीकिंग एबिलिटी, हम कितना स्नीक करके जा कर के आराम से पीछे छुप छुपा के जा कर के आदमी को मार सकते हैं, ये देखिए. ये है हमारी नेक्स्ट एबिलिटी. Enhances the player's ability to move quietly and avoid detection by enemies. Higher stealth skills are useful for executing stealth missions and reducing unwanted attention. So basically इस स्किल को इम्प्रूव करने के लिए हमें स्टेल्थ मोड में जाकर के लोगों को किल करना है. अब इसका बेस्ट तरीका जो है, आप किसी मिशन को सेलेक्ट कर लीजिए. मिशन सेलेक्ट करने के बाद आप बीच एरिया में आ जाइए. बीच एरिया में बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे. स्टेल्थ मोड में हो जाइए, कोई भी मिली वेपन अपने साथ एक्टिवेट कर लीजिए और उस मिली वेपन से जाकर के किल कीजिए. तो इससे आपका डबल रेट से आपका स्टेल्थ स्किल जो है इम्प्रूव हो जाएगी. काफ़ी इफ़ेक्टिव तरीका है ये और इससे आप कोई भी प्लेयर को स्टेल्थ मोड में जाकर के मार सकते हैं, वो आपको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा. थोड़ा टाइम टेकिंग है ये, बट ये सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है. इस तरीके से आप स्टेल्थ मोड को काफ़ी जल्दी 100% कर सकते हैं. जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा 80% हो गया है यहाँ पर. कोई भी मिशन सेलेक्ट कीजिए, NPCs होंगे, NPCs के पीछे जाइए और उन्हें मार दीजिए.
सबसे बेस्ट है मिशन सेलेक्ट करके एनपीसीज के पीछे जाइए, अदरवाइज आपके पीछे पुलिस पड़ जाएगी और आप अपना मिशन, ये स्किल्स जो कंप्लीट करने का मिशन है वो पूरा नहीं कर पाएंगे। तो बेस्ट है मिशन सेलेक्ट करने के बाद ही एनपीसीज को किल कीजिए। ये हमारे स्टैट्स हैं जो कि 100 रैंक में है। 100 रैंक में हमारा सिर्फ फ्लाइंग स्टैट्स रह रहा है, बाकी सारे स्टैट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पर ये बेसिक स्टैट्स हैं, स्टैमिना, स्ट्रेंथ, शूटिंग, ये तीन स्टैट्स आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हैं गेम में। नेक्स्ट है हमारा फ्लाइंग स्टैट, विच डिटरमाइंस हाउ वेल द प्लेयर कैन पायलट एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग प्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स। बेटर फ्लाइंग स्किल्स रिजल्ट इन स्मूदर टेक ऑफ, लैंडिंग्स एंड इन फ्लाइट मैन्यूवर्स। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है ये अगर आप अपने फ्लाइट स्टैट्स को बहुत ही जल्दी इम्प्रूव कर दें, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग स्टैट है। इसको करने के लिए आप सैन एंड्रियास फ्लाइट स्कूल में जाइए और वहाँ जो मिशन है उन्हें कंप्लीट कीजिए। वो करने से आपके ये स्टैट्स काफ़ी जल्दी इंक्रीज हो जाएगा। अदरवाइज जो भी फ्री मोड इवेंट्स आते हैं आपके पास GTA ऑनलाइन में, उनमें पार्टिसिपेट कीजिए फ्लाइंग के, तो उनको करने से भी आपके स्टैट्स इंक्रीज होंगे। बट सबसे बेस्ट तरीका है आप फ्लाइट स्कूल में जाइए, फ्लाइट स्कूल में जाकर के आप जो मिशन हैं उन्हें कंप्लीट कीजिए। उनको कंप्लीट करने से आपको RP मिलेगा, पैसा मिलेगा और साथ में आपके स्टैट्स बहुत फास्ट इंप्रूव होंगे और मैक्स आउट हो जाएंगे आप काफ़ी जल्दी। अदरवाइज आप फ्री मोड इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो भी फ्लाइंग कॉन्टेस्ट होते हैं उसके अंदर फ्लाइंग चैलेंजेस होते हैं, आप उनमें पार्टिसिपेट कीजिए। बट वो काफ़ी स्लो प्रोग्रेस है, उनमें इतना आपको फास्ट बूस्ट नहीं मिलेगा स्किल्स इम्प्रूवमेंट में। तो फ्लाइट स्कूल में जाइए और अपनी स्किल्स को मैक्स आउट कीजिए। अब नेक्स्ट स्किल है हमारे पास लंग कैपेसिटी। बेसिकली हम अंडर वाटर कितनी देर तक रह सकते हैं ये स्किल्स हमको बताती है। जितनी शॉर्ट हमारी ये स्किल होगी उतना कम हम अंडर वाटर रह सकेंगे, और जितना ज़्यादा हमारा ये स्किल इम्प्रूव्ड होगा, मैक्स आउट होगा, उतना ज़्यादा देर हम लोग रह सकते हैं अंडर वाटर। हमारा बार भी काफ़ी स्मॉल है अभी, जो कि 100% होने पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ड्यूरेशन भी बढ़ जाएगी हमारी अंडर वाटर रहने की। काफ़ी सारे मिशन हैं GTA ऑनलाइन में जो हम अंडर वाटर रह के कर सकते हैं। सो बेसिकली इट अफेक्ट्स हाउ लॉन्ग द प्लेयर कैन स्टे अंडर वाटर बिफोर नीडिंग टू सर्फेस फॉर एयर, एसेंशियल फॉर अंडर वाटर मिशन एंड एक्सप्लोरेशन। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमको अंडर वाटर ढूंढनी पड़ती हैं, उसके लिए ये बेस्ट है आपकी स्किल्स इंप्रूव कीजिए। इन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए आप कोई भी बीच एरिया में जाइए, वहाँ अंडर वाटर डाइविंग कीजिए और जितनी देर तक अपनी ब्रेथ को होल्ड करके रख सकते हैं उतनी देर तक होल्ड कीजिए, फिर दोबारा सरफेस पे आइए और फिर अंदर जाइए। ये सबसे बेस्ट तरीका है इंप्रूव करने का आपकी स्किल्स को। स्किल है हमारी ड्राइविंग, जो कि बेसिक स्किल है और सबसे ज़्यादा नेसेसिटी है इसकी GTA ऑनलाइन में। तो बेसिकली ड्राइविंग इन्फ्लुएंसेस हाउ वेल द प्लेयर कैन हैंडल व्हीकल्स इंक्लूडिंग कार्स, मोटरसाइकिल्स एंड बोट्स। बेटर ड्राइविंग स्किल्स रिजल्ट्स इन स्मूदर टर्न्स, फास्टर स्पीड एंड रिड्यूस्ड लाइकलीहुड ऑफ एक्सीडेंट्स। अब इस स्किल को इम्प्रूव करने के लिए या मैक्स आउट करने के लिए आपको और कुछ नहीं करना है, गाड़ी ड्राइव करनी है बस, जो कि आप गेम में एंटर करते ही करने लग जाते हैं। आपको बस वही करना है और ये स्किल बाय द टाइम अपने आप ही मैक्स आउट हो जाएगी। तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक स्किल है और सबसे ज़्यादा इजी है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट है हमारे पास मैक्सिमम हेल्थ, जिसके लिए आपको 100 रैंक तक पहुंचना होगा। 100 रैंक तक पहुंचने के बाद ये स्किल अपने आप अनलॉक हो जाती है और आपको इसका काफ़ी बेनिफिट मिलता है, आपकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड रिमेंबर, Mastering these player skills in GTA Online is crucial for achieving success in the game and fully enjoying the game's immersive environment. By improving abilities such as shooting, driving, stamina and stealth, players can enhance their performance in missions and PvP battles and unlock new opportunities within the game world. एंड nobody told me at the starting of the game कि मुझे ये सबसे पहले ये अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी चाहिए, बट मैं आपको बता रहा हूँ गाइज, सबसे पहले गेम में एंटर करते ही ये स्किल्स अपनी इंप्रूव कीजिए, इनसे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द नाइल्स कुम चैनल एंड क्लिक बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर कंटेंट ऑन GTA ऑनलाइन एंड इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स देन राइट डाउन बिलो। द नाइल्स कुम साइन इन ऑफ।